नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राहुल के दौरे की तैयारियां जोरों पर, आएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। पोस्ट सप्लाई करने के आरोपितों को 10-10 साल की कारावास, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला। कलेक्टर राम निवास ने किया घर-घर बल का निरीक्षण, कल भी आ सकता है पानी। मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट को घेरा, सुविधाएं बढ़ाने की मांग। ग्वालियर की सियासत एक बार की पूरी तरह गर्मा चुकी है। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हरकत में आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल मंगलवार को हनुमानगढ़ आ रहे हैं, वहीं राहुल के कार्यक्रमों की तैयारी को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 2 दिनों के भीतर हनुमानगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस तरह की खबरों के बीच खबर यह भी है कि घग्घर बहाव क्षेत्र में कुछ ही दिनों में पानी आ सकता है। इसके तहत जिला कलेक्टर राम निवास ने घग्घर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा शहर की बड़ी खबर है कि नगर परिषद बोर्ड से खफा होने वाले भाजपाई पार्षदों की संख्या में और इजाफा हो रहा है। अब पार्षद लखेश्वरी देवी ने सड़क पर प्रदर्शन कर बोर्ड पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा भी कुछ खास खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 16 जुलाई को हनुमानगढ़ जिले में करीब 6 घंटे गुजारेंगे। वे किसानों की समस्याओं से रूबरू होंगे और करीब 10 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा को लेकर अंतिम कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी जाखरावाली में करीब 300 दिनों से धरना दे रहे किसानों तक जरूर पहुंचेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का हनुमानगढ़ दौरा कई अर्थों में खास होगा। वे 16 जुलाई को करीब 6 घंटे तक हनुमानगढ़ जिले में प्रवास करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राहुल सुबह 9:45 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वे सूरतगढ़ में श्री गंगानगर जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बाद में हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। वे जिले में कहाँ से कहाँ तक पदयात्रा करेंगे, इसका रूट अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कई तरह के रूटों पर चर्चा की है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा जाखरावाली के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि जाखरावाली में ही सेम प्रभावित किसान करीब 300 दिनों से धरना दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल के दौरे की तैयारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार को हनुमानगढ़ आएंगे। वे शाम 5 बजे सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार सुबह जयपुर एक्सप्रेस से हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। एनडीपीएस कोर्ट ने पोस्ट रखने के आरोपितों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने 4 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। समाज को नशा मुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में इस फैसले के मायने हैं। हनुमानगढ़ जिले में नशे की अवैध तरीके से होती सप्लाई जैसे नासूर बनती जा रही है। यही वजह है कि सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानूनी तौर पर सख्ती बरती जाने लगी है। ऐसे में कोर्ट का रुख भी अब सख्त होने लगा है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने आरोपित कुलवंत सिंह और रणजीत सिंह को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश सिंह शेखावत के मुताबिक टिब्बी थाना प्रभारी नारायण सिंह ने 25 मार्च 2011 को तलवाड़ा झील के पास एक वाहन चालक को रोका और तलाशी ली तो वाहन से 55 किलो पोस्त चूरा बरामद हुआ। शेखावत के मुताबिक आरोपित अन्य वारदातों में भी वांछित हैं। टिब्बी एसएचओ इंचार्ज नारायण सिंह द्वारा दिनांक 25/3/11 को गश्त तलवाड़ा टिब्बी तलवाड़ा रोड पर 22 SCGR पे बस स्टैंड पे गश्त दौरान गश्त के एक गाड़ी आती दिखाई दी है DL4 कार नंबर 25-15-24 जिसको रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने इसको बजाने की कोशिश की। इसको रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 55 किलो पोस्त चूरा बरामद हुआ। 55 किलो वो उसको NDPS के तहत इसकी कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी ने इसमें चालान पेश किया। माननीय न्यायालय में प्रोसिक्यूशन द्वारा 15 गवाह पेश किए गए और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जिसको प्रमाणित मानते हुए माननीय न्यायालय के जज साहब द्वारा माननीय द्वारा बलजीत सिंह जी द्वारा इस अपराध को सामाजिक बुराई मानते हुए
कठोर सजा 10-10 साल की दोनों मुलजिमान को और 1-1 लाख रुपया जुर्माना सुनाया है, जिसके समाज में एक संदेश भी जाएगा और समाज से बुराई भी कम होगी। मुलजिम कुलवंत सिंह और रणजीत सिंह है। कुलवंत सिंह जो है पूर्व पंजाब में अभी एक चल रहा था अन्य प्रकरण में, और रणजीत सिंह जो अभी जमानत में था, जिसको अभी जमानत में उसके निश्चित करके जेल भिजवा दिया गया है। आज के बाद वो तो जेल में। घाघर नदी में कभी भी बरसाती पानी आ सकता है। पानी की आवक को देखते हुए कलेक्टर रामनिवास ने सोमवार को घाघर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। घाघर नदी में 5 दिनों के भीतर पानी आने की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर रामनिवास ने सोमवार को घाघर बहाव क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामजीलाल सहू, सहायक अभियंता निरंजन लाल कटारिया और कनिष्ठ अभियंता समरजीत सिंह सहित पीआरओ सुरेश बिश्नोई भी साथ थे। जिला कलेक्टर ने सबसे पहले जंक्शन और सतीपुरा बाईपास के बीच स्थित उत्तर सुरक्षा बंध का निरीक्षण किया, जो हनुमानगढ़ जंक्शन की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने घाघर डाइवर्सन चैनल की बुर्जी संख्या 42 से 370 का निरीक्षण किया, जहां क्रॉस रेगुलेटर बना हुआ है और पानी की पॉन्डिंग यहीं की जाती है। हरियाणा के ओटू से चले पानी को यहीं पर रोका जाता है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामलीलाल साहू ने कलेक्टर को विस्तार से जानकारी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गेटों इत्यादि को चेक कर लिया जाए, ताकि पानी आने की स्थिति में कोई हादसा ना हो। क्रॉस रेगुलेटर का निरीक्षण करने के बाद जिला कलेक्टर रामनिवास ने घाघर डाइवर्जन चैनल की बुर्जी संख्या 0 का निरीक्षण किया और यहां पर बने साइफन को भी देखा। इसी दौरान इंदिरा गांधी फीडर की बुर्जी संख्या 629 पर बने इंटेक स्ट्रक्चर को भी जिला कलेक्टर ने देखा और आखिर में कलेक्टर ने जीडीसी की बुर्जी संख्या 24 और 24 से 500 का निरीक्षण किया, जहां से घाघर नदी में पानी छोड़ा जाता है। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसे 1 या 2 दिन में पूरा करवा लें। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि कुछ देर के लिए जैसे कलेक्ट्रेट को घेर लिया। वे मनरेगा कार्यस्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बाद में माकपा नेताओं ने कलेक्टर रामनिवास से मिलकर उन्हें समस्याओं से अवगत करवाया। लोग दूसरे खेतों में बढ़ने नहीं देते हैं, जान छांव है, बड़ी होगी क्या कि ग्वार खराब हो रहा है, तो मजदूरों के लिए दिक्कत आएगी, वो धूप में बैठना पड़ता है। तुम्हारा ये कहना है कि टैक्स बेस है साहब, जब हमने टैक्स निकाल दिया तो हमें घर जाने दिया जाए, ये इतनी सी डिमांड है। आप आगे भाई काम है टैक्स बेस पर, टक्की निकल जाए तो माने घर जान दो, ठीक है। तो बा ये कह रहे एक है दवाई की बात है, बा भी बा लिख ली है, और एक है जो शौचालय बकाया पे के बिंदु पर भी भेजांगा। एक 6 नंबर फार्म है, हे भरनो है जरूर, अगर कोई नहीं भरे तो बतानो है क्या 6 नंबर फार्म भरो, ताकि काम नहीं चल रहा तो थाना बिंगा मुआवजा मिले, मुआवजा मिले वो बेरोजगारी। हाँ अभी अभी दोबारा सुन लो, मनरेगा का जो कानून है ये कानून निश्चित तौर से बहुत ही ग्रामीण एरिया के लिए बहुत ही फायदेमंद था, बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार मिला है। पर अब स्थिति क्या है कि इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, एक तो इसका जितना बजट था जो 2 करोड़ 20 बैठते थे उसके हिसाब से 61,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसको उन्होंने 39,000 करोड़ रुपये तय कर दिया है, और उन्हीं सरकार की मंशा के हिसाब से अधिकारीगण भी लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, और स्थिति ये है कि 6 नंबर फार्म भरने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिलता है, और इस गर्मी के मौसम में 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठाते हैं, जबकि नरेगा का काम जो है वो टास्क बेस पे है।
और टास्क बेस का मतलब ये है कि आप काम पूरा करके घर जा सकते हो, पर वो 6 बजे तक उनको बैठाए रखते हैं। भयंकर गर्मी का मौसम है और जो सुविधाएं मिलती हैं छाया की है पानी की है वो कोई सुविधाएं उनको मिलती नहीं है। इसलिए आज कोला पंचायत के जो हैं जो सैकड़ों महिलाएं आई थी और उनका काम एक तो ये है कि काम मांगने पे काम दिया जाए और टास्क बेस पे टास्क पूरा करने के बाद भी मजदूरी कम आती है। अगर किसी का टास्क पूरा नहीं होता तो इसमें प्रावधान है कि मेट उनको कहेगा अगले दिन वो टास्क पूरा करें, पर ऐसी कहीं जिले में रिपोर्ट नहीं है कि किसी भी मजदूर ने अपना काम पूरा नहीं किया हो। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमकॉम एबीएसटी, एमए जियोग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, एमए पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें एमएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा एमए ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही है। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी विख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 110,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, एमए अर्थशास्त्र एवं एमए पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। माता किताब कोर आईटीआई एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCIE एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व सीसीटीवी कैमरास से युक्त क्लासरूम, बीकानेर संभाग की एकमात्र आईटीआई, यहां सीएनसी मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कोर आईटीआई कैंपस 14SSW कोहला टोल नाके के पास मेगा हाईवे हनुमान डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहां पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स,
पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य देंगे। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। के करीब 7 माह बाद ही हनुमानगढ़ नगर परिषद संदेह के घेरे में आने लगी है। आलम यह है कि विपक्ष तो फिर भी सेट है, लेकिन सत्ता पक्ष के पार्षद धीरे धीरे अपसेट होने लगे हैं। हनुमानगढ़ से जयपुर और दिल्ली तक सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए परेशानी की बात है कि पार्षदों और कार्यकर्ताओं की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा पार्षद सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले ये लोग हैं वार्ड नंबर 27 के। वार्ड नंबर 27 हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में आता है और यहाँ से पार्षद हैं लखेश्वरी देवी बिश्नोई। लखेश्वरी देवी भाजपा की टिकट पर निर्वाचित हुई हैं। 7 माह बाद ही उनका सब्र जवाब देने लगा, लिहाजा सड़क पर नागरिकों के साथ अपने ही बोर्ड को मुर्दाबाद कहने की मजबूरी आ गई। पानी की है, पानी की निकासी नहीं है कहीं भी पूरे वार्ड के अंदर, और रोड है, रोड नाम की चीज़ नहीं है कहीं भी। आप किसी रोड के ऊपर चल के देख लो आप, और जिस रोड के ऊपर उस समय खड़ा हूँ मैं, ये मेन रोड है ये हमारे यहाँ की, इसके अंदर खड्डे पड़ गए। अब ये यहाँ पत्थर गिराए हैं, ये नगर पालिका को बोल दिया, हमारे वार्ड मेंबर है उसको भी बोला था, वार्ड मेंबर की तो वहाँ सुनाई नहीं हो रही, को उन्होंने फ़ोन भी किया आयुक्त को, चेयरमैन को, कोई सो रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या मिट्टी डाल देंगे याद खड्डे हो गए यहाँ, प्रॉब्लम बारिश, जैसे जैसे बारिश आती है वैसे एकदम प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है और कोई नाली में लेवल नहीं है। इसके जैसे मान लो ये क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग एक नाली में है, सॉरी इंदिरा कॉलोनी और नई वादी, तीनों चारों वार्डों का एक ही नाला है, और अलग नाला दिया जा रहा है, उसके बारे में लिख के नगर परिषद को दिया गया है। नगर परिषद में उसमें कुछ 2-3 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की वजह से वो नाला नहीं कर रहा एक साइड से, और यहाँ मेन चौराहे पर माटी कल करवाई है, नगर परिषद को भी कहा था पहले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हमने आप करवाई है, उसके दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके इतना परेशान है ये दुनिया, कितनी कोई खड्डा है, कोई टूंटियाँ है, कोई पाइपा है, कोई काम को नहीं हो रही हो, नगर पालिका में कोई हमारी सुनाई भी को नहीं हुआ, तो मैं गरीब लोग की काम कैसे भाई हल करा, तो आगे काम कोई होना चाहिए, नगर पालिका माने कथई कथई को जवाब मिल ही को नहीं, तो जवाब मिलना चाहिए माने, गरीब लोग जका रो है, कणक मिले बाई बंद होगी, गरीब लोगों को कोई काम को नहीं हुआ, गरीब ईसा ईसा बैठे है, जका नौकरी पेशेड़ा कार्ड है, जका गरीब लोग है वांगे दिहाड़ी मजदूरी भी कोनी हुए, जका कोई रोटी कोनी बांगे, कोई काम हल है वही कोनी बांगे, BPL है तो हरिया तो सारा कट गया, तो हमारी सुनाई होनी चाहिए क्यों को नहीं हुआ, बल्ड के मार संभालो के हाल है, सड़क है, टूंटियां है, पाइपा है, नाली है, कोई काम कोई को नहीं रेड़ो, दुनिया है जबकि गरीब लोग है जबकि मारका नहीं उल्टा है, मैं ये भी जवाब के दिया मान, पार्षदों की सुनवाई नहीं कर रहे, पार्षदों की बिल्कुल सुनाई को नहीं। हनुमानगढ़ में जिला कृषि आदान विक्रेता संघ का सम्मेलन भटनेर पैलेस में हुआ। इसमें न सिर्फ कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया, बल्कि भाजपा नेता अमित साहू ने भी शिरकत की। व्यापारी नेता बालकृष्ण गोलियान ने मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार से वैट दर घटाने की मांग कर दी। जिला कृषि आदान विक्रेता संघ का सम्मेलन टाउन स्थित भटनेर पैलेस में हुआ। भाजपा नेता अमित साहू, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदय भान, ज्वाइंट डायरेक्टर जयनारायण बेनीवाल आदि मौजूद थे। सम्मेलन में उपनिदेशक डॉक्टर उदय भान के रिटायरमेंट पर उन्हें विदाई दी गई। व्यापारी नेता बालकृष्ण गोलियान व विजय रौंता आदि ने वैट दर को अधिक बताते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों में किसानों और व्यापारियों को काफी राहत दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करती। ये हमारी 200 पुरानी मांग है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी भी यहाँ आए थे,
वहां से जाके बात करते हैं। इसका हमें बहुत बड़ा धरना देना पड़ रहा है लंबे समय से। पहले विरोधी मंत्री थे, उस टाइम भी हमारी एक डिमांड थी, डॉक्टर साहब जो मंत्री बने हैं हमारे सीट टेस्टिंग लेबोरेटरी की एक पुरानी डिमांड थी। मैंने मार्केट में सीट टेस्टिंग लेबोरेटरी हो ताकि हमारे जो बीज के सैंपल हैं चाहे वो प्रोडक्शन करें या जो जैसे जाते हैं वो मार्केट में सैंपल हो ताकि हमें जल्दी से जल्दी बीज उत्पादन में सहायता मिल सके। तो मैं अमित जी सब से हमारी दोनों मांग है ये राज्य सरकार हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित लोको मस्जिद में शाम के वक्त रोजा इफ्तार दावत दी गई। नगर परिषद के उपसभापति नगीना बाई ने रोजेदारों के रोजे खुलवाए। आयोजन में काफी संख्या में रोजेदार शरीक हुए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आज यहाँ पर लोकू मस्जिद गांधी नगर में हमने रोजा इफ्तार किया है जो कि एक ये रमजान का महीना है, बहुत ही एक पवित्र महीना है जो कि सभी रोजे वगैरह रख करके सभी के लिए दुआ मांगते हैं और मालक हमेशा दुआ मांगने पर उनकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए मैंने भी आज यहाँ पर सबके साथ बैठ करके रोजा वगैरह किया है और हमारे जैसे हिंदुओं के लिए होली दिवाली जैसे जितने भी त्यौहार हैं पवित्र त्यौहार है इसी तरह ये रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है। इसलिए हम सब बैठ करके ये मालक से दुआ की है कि मालक सबको सुख शांति रखे, सबकी इच्छा पूरी हो। यहाँ निगिना भाई उपसभापति ने सब मुसलमानों को रोज़ा खोलने की दावत दी थी और सब लोग यहाँ खुशी खुशी से आए हैं और आने के बाद रमज़ान के महीने में सबसे बड़ी दुआ होती है हमारे जो कबूल होती है। इसलिए यहाँ बैठकर हमारे मौलाना चिराग आलम साहब ने दुआ की सबके लिए, अमन चैन के लिए और सब लोग भाई ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया यहाँ पर। और ये रमज़ान का महीना हमारा ऐसा महीना है जिसमें तीन टाइम बगता है, तो लास्ट जो 10 दिन है इसमें हमारे मगफरत की दुआएं की जाती है। जो कुछ हमने जो गलतियाँ की है दीन दुनिया में उसकी मगफरत कराते हैं, अल्लाह पाक उसको अपने माफ़ कर पाता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। दिवस पर हुए कुछ कार्यक्रमों से जुड़ी खबरें भी। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से जिला स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आनंद विहार पैलेस में हुए कार्यक्रम में एडीएम परमेश्वर लाल, एसडीएम अमरनाथ अग्रवाल, सभापति राजकुमार हिसाजा सहित अधिकांश पार्षदों ने भी भाग लिया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को प्रभावित किया। Yeah.
तो यह कहना गलत है कि उसमें इमोशन नहीं है। हनुमानगढ़ के मूक बधिर बच्चों ने जिला स्थापना दिवस पर राष्ट्रगान को अभिनय में यूं दर्शाया कि कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति अभिभूत नजर आया। जरा आप भी देखिए वह बेहद खूबसूरत अभिनय जिसमें बच्चे इशारों के माध्यम से राष्ट्रगान को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पुस्तकों की संख्या भले हजारों में हो लेकिन पाठकों की संख्या दर्जनों में सिमटती जा रही है। यही वजह है कि जिला स्थापना दिवस के मौके पर पुस्तकालय में पाठकों को जोड़ने के लिए प्रतियोगिताओं का सहारा लेना पड़ा। राज्य की जिला पुस्तकालय में जिला स्थापना दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, इनमें रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता शामिल है। पुस्तकालय अध्यक्ष उषा रानी के मुताबिक प्रतियोगिता को लेकर खास उत्साह देखा गया। वहीं हाउसिंग बोर्ड विकास संघर्ष समिति की ओर से पुस्तकालय को कंप्यूटर भेंट किया गया। अध्यक्ष कमल नारायण पारिक, पूर्व पार्षद मुकेश कुमार मुखी आदि मौजूद थे। प्रोग्राम किया है वो मैं ये स्थापना दिवस पे किया है, हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस पे। हमारा मेन मकसद तो लाइब्रेरी से पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का होता है, ताकि बच्चे जहाँ आएंगे और नागरिक वगैरह या उनके साथ माता पिता आते हैं तो उनको लाइब्रेरी का पता चलता है। और लगभग कोशिश ये रहती है कि पेपर में भी देते हैं ताकि बच्चों को यहाँ के नागरिकों को ये पता चले कि हनुमानगढ़ के अंदर भी एक जिला लाइब्रेरी है। हमें ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना यहाँ लाइब्रेरी में हमारे पास ज्ञान या किताबें पढ़ी हैं उतने हमारे पास अभी पाठक नहीं हैं। इसीलिए ये आज हमने एक मेहंदी प्रतियोगिता और उसके साथ साथ रंगोली प्रतियोगिता की है, साथ में छोटे बच्चों का नृत्य वगैरह प्रोग्राम भी किया है।
और उसके साथ साथ पंचायत समिति के हमारे सदस्य हैं श्री तरसेम जी शर्मा, श्री कमल नारायण जी, मुकेश कुमार मुक्की और प्रदीप जी। विकास समिति के सदस्यों ने हमारे पास लाइब्रेरी में कंप्यूटर 4-5 सालों से नहीं था और उन्होंने मिलके हमें लाइब्रेरी को कंप्यूटर दिया जिनका हम बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।